आदिवासी मध्ये येऊ इच्छितात समस्या असेल या सर्व आदिवासींचा विमोड आपण कसा करायचा त्यांना आपल्या आदिवासी मध्ये येऊ नये यासाठी आपण काय अभियान त्या माध्यमाने गोंदिया जिल्हा आदिवासी विद्यार्थी संघाच्या वतीने एक पूर्ण एक महिन्याकरता ही रथयात्रा काढण्यात येत आहे आणि या कार्यक्रमाप्रसंगी आज याचा उद्घाटन समारोह आहे, रॅलीला सुरुवात होत आहे आणि आता या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी उद्घाटन करण्याकरिता संपूर्ण आदिवासी समाज आणि यानंतर मी माल्यार्पण करून भयानक है ये हम आज इस रैली के माध्यम से हम पूरे जिले में हम बताना चाहेंगे आदिवासियों का शोषण हो रहा है, किस तरीके से आदिवासियों को एक राजनीतिक से एक सामाजिक से एक समाज से किस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, उसके माध्यम से हर गांव में हर क्षेत्र में जहां जहां आदिवासी बसा है उस हर क्षेत्र में जाके हम अपनी समस्या हम पूरे आदिवासी समाज को बताएंगे और एक ऐसे क्रांति समाज को चाहे गोंड हो हल्बी हो कंवर हो इस आदिवासी विद्यार्थी संघ के माध्यम से एक करने का एक छोटी क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा आपके रैलीला आपण प्रत्येक गावामध्ये आदिवासींना संघटित करण्याचे काम
हिस्सों में अलग 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 हिस्सों में बांट करके वह समाज के कुछ अपने आप को जो नेता समझते हैं उन लोगों ने हमारे समाज को अलग अलग करके रखा है। और इसी वजह से आज हम हमारी एकता जिसके लिए हम साल भर में मोर्चे निकालते हैं, हम साल भर में धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन शासन क्यों नहीं हमारे सुनते, क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये आज हमको इस रैली के माध्यम से हम उनको बताएंगे कि आदिवासी विद्यार्थी क्या है, आदिवासी विद्यार्थी ने यदि स्थान दिया तो क्या कर सकता है। हम इस रैली के माध्यम से पूरे समाज को बताएंगे हम सिर्फ हम ही नहीं, हम तो युवा वर्ग ही है, पढ़े लिखे ही है, हम अपने आप को ये बदलेंगे। तो हम जिस गाँव में रहते हैं उस गाँव को बदल देंगे, जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार को बदल देंगे, और जितने भी आदिवासी के जो राजनीति करते हैं उस राजनीति को बदल देंगे। इसलिए रैली का माध्यम, इस जन यात्रा का माध्यम से ही हम ये सबको रथ यात्रा के माध्यम से हम पूरे समाज को बताने की कोशिश हम इस करेंगे। और पूरे जितने भी संगठन है उन सभी संगठनों को, चाहे आपस में जो भी हो, आज चाहे जो भी मतभेद हो, उन मतभेद को भुलाकर हमें एक घंटे के लिए एक आना ही होगा, करते रहेंगे कि कब मेरे ऊपर फिर भी आदिवासी का अन्याय होता है। तो सबसे पहले ये हर स्थान नहीं है, कहीं कहीं भी लड़के हो, चाहे आश्रम स्कूल के हो, किसी भी गांव में भी हो, तो हर विद्यार्थी ने, हर आदिवासी छात्र हो या छात्रा हो या पालक वर्ग हो या संगठन हो, सबसे पहले आवाज जिसको जिस किसी को भी पता चलता है कि फलाने गाँव में या फलाने क्षेत्र में कहीं पर भी कुछ हुआ है, तो सबसे पहले आवाज उसी क्षेत्र से उठनी चाहिए। ये देखना करेंगे किस किसी विद्यार्थी पर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो सबसे पहले आवाज आदिवासी विद्यार्थी संघ के माध्यम से उठेंगी। और इस संघ के माध्यम से ही पूरे समाज को, पूरे जिले को, पूरे विदर्भ को एक करने का माध्यम ही है। इस संगठन का यही लक्ष्य लेके ये विद्यार्थी संगठन आगे बढ़ रही है। दोस्तों, पूरे समाज के जितने भी बुजुर्ग है, संगठन है, उन सभी से अनुरोध है कि हम सभी लड़के हैं, अनुभव नहीं है हमें, छोटे महीने भर घूम रहे हैं, छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती, छोटे मोटे कुछ मन मुटाव हो सकते हैं, पूरे समाज के आज से हमने ये पूरे आगे छोड़ा है, आपके ऊपर छोड़ा है। पूरे विद्यार्थी किस हालत में रहते हैं, किस हालत किस परिस्थिति में रहते हैं आप सभी को पता है। इसलिए सभी संगठनों से, सभी समाज बांधव सर्व आपके आदिवासी के समस्या यहाँ रथ यात्रा के माध्यमातून आदिवासी समाजाला जागृत करना चाहिए चाहिए। जब हमारे बाल बच्चे हमको ये सवाल पूछेंगे, जब आदिवासियों पर अन्याय हुआ हो रहा था तो आप कहाँ थे, आप तो पढ़े लिखे थे, आप क्या कर रहे थे। हम सभी शिक्षित युवा वर्ग को आज ये समय है, हम सब युवा शिक्षित को कि हम अपने घर में जाए, अपने गांव में जाए, अपने क्षेत्र में जाए और अपने समाज को जिस प्रकार से शासनों की नीति हमारे खिलाफ जा रही है, किस तरीके से निर्णय वो लेती है कि किस तरीके से आदिवासी का हो रहा है, चाहे आश्रम स्कूल हो, चाहे वास हो, चाहे कहीं पर भी हो, क्या कहीं अपन जितने आए दिन हम देखते हैं, टीवी पत्रों में देखते हैं, वर्तमान पत्रों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि कोई भी आता है और आदिवासी को ऐरा गैरा समझ के निकल जाता है, आता है, लेकिन सारा समाज सोया रहता है, सब सोचेगा कि आज हम इंतजार कर रहे हैं कि किस पता है तो हो जाए कि आदिवासी जागना चाहिए। ये चिरोड़ा में होता है तो देवरी के आदिवासी ने आवाज उठानी चाहिए, चाहे सड़क अर्जुन हो, चाहे देवरी या गोंडिया जिला में नहीं, तो पूरे भारत में जहाँ कहीं भी यदि आदिवासियों पर अन्याय होता है तो पूरे भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी आदिवासी बसा हो वो आदिवासी ने जागना चाहिए, आवाज ऊंचा उठाना चाहिए कि झारखंड का अकेला नहीं है, चाहे बंगाल का आदिवासी अकेला नहीं है, चाहे गुजरात का आदिवासी हो वो अकेला नहीं है, पूरे देश का आदिवासी एक है। ये हमको आज इस रैली के माध्यम से, इस जन यात्रा के माध्यम से हम पूरे आदिवासी समाज को बताना पड़ेगा कि हम बहुत सारी हमारी संगठन है लेकिन सभी में एकता नहीं है। कौन नेतृत्व करेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन शुरुआत करेगा, तो हम आपके बच्चे हैं, हम शुरुआत करते हैं, हम आपके बच्चे हैं, हमारा भेदभाव नहीं, या गोंड भी है, कंवर भी है, नगाची भी है, सभी है, सभी लड़के लड़के हैं, लेकिन हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं, हमारा एक ही नाम है आदिवासी विद्यार्थी, बस आदिवासी विद्यार्थी वो किस समाज से हमको कोई उससे लेना देना नहीं, लेकिन आदिवासी समाज है, चाहे कंवर से अन्याय हो तो गोंड ने आवाज उठाना चाहिए, चाहे नगर की पे हो तो गोंड ने आवाज उठाए, हल्दी पे हो तो कंवर ने आवाज उठाना चाहिए। जब तक एक तो हम निर्माण नहीं करेंगे ऐसे ही हमको टुकड़े टुकड़े में, गोंडों में अलग, कंवर में अलग, प्रधान में अलग, अलग अलग हिस्सों में बांट करके वह समाज के कुछ अपने आप को जो नेता समझते हैं उन लोगों ने हमारे समाज